आपको डायसिस ऑनलाइन प्रभाग आराधना में आप सभी ख्रिस्त विश्वासियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी छोटनागपुर डायसिस के एक किलोमीटर का धर्मशिला पुनरुत्थान उपासनालय में उपस्थित हैं और आज की ऑनलाइन आराधना में ऑनलाइन आराधना का संचालन दुरु पास्टर के द्वारा संपन्न किया जाएगा और हम सब मिलकर आज की ऑनलाइन आराधना को संपन्न करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों की सहायता अगुवाई करें और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे कि हम आज उसकी महिमा आत्मा सच्चाई से कर सकें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, हम आपको धन्य कहते हैं और तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। हे धन्य पिता, धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के सब आशीषों के लिए जिनसे आपने प्रत्येक के जीवन को सुशोभित किया, अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को सुरक्षित रखा और अपने बड़े अनुग्रह से आज की इस पवित्र प्रभुवार में हम सबों को जीवितों की संगति प्रदान की है कि हम अपने जीवन के द्वारा से तुझको धन्यवाद दें और तेरी महिमा करें। इस समय जब हम तेरी सेवा और आराधना करना चाहते हैं, हम सभी तेरे पवित्र हाथों में समर्पित हो करके तेरे निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक कर कि आज की आराधना को हम आत्मा सच्चाई से करने पाए। जब हम तेरे महिमा के गीतों को गाते हैं, हमारे होठों को खोल कि हम उसके दस तेरी प्रशंसा करने पाए। हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचन को पढ़ सकें और जब उसे हम चिंतन और मनन करते हैं, हमारे संसार हो कि सीखने और सिखाने के कार्य को हम संपन्न करने पाए। जब हम तेरे निकट प्रार्थना अर्पण करते हैं तो वह तेरे निकट घन योग्य होने पाए। सब बातों में हमारी सहायता अगुवाई कर और अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर ले। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दैसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 345, हिम्न नंबर 344। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं ना कोई खूबी और ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। गीत संग्रह गीत संख्या 345, हिम्न नंबर 345।
यद्यपि हमें परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है, तथापि परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाएं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। हम सब शुद्धता की प्रार्थना को एक साथ अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा। साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रार्थना करेंगे, मंडली बैठ जाएगी। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 18वां प्रभुवार की प्रार्थना को काम में लाएंगे। हे प्रभु, तू अपने लोगों की कमजोरियों को जानता है कि वे तेरे अनुग्रह की सहायता के बिना स्थिर खड़े नहीं रह सकते। हम प्रार्थना करते हैं, दया करके हमें ऐसी शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर कि हम सब विपत्तियों और परीक्षाओं में संभाले जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें हमारे सभी अधिकारियों के लिए, डायसिस के लिए, हमारे बिशप स्वामी और सभी कार्यकर्ताओं के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू अपनी पवित्र आत्मा के प्रकाश से
इस प्रांत हमारे डायसिस की सभा पर आशीष दे, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण कर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास हमारे बिशप स्वामी के लिए, जिसके कांधों पर तूने इस डायसिस का भार दिया है, उसे बुद्धि से समझ से ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि पिता परमेश्वर वो कलीसिया की अगुवाई तेरी इच्छानुसार करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम सभी कोई मसीह घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में बास कराता है, हम तुझसे विनती करते हैं सब ख्रिस्ते घरानों पर अपनी आशीष दे, उनसे दुष्टात्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहां बास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें अपने प्रियजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, इष्ट कुटुंबियों के लिए जो हमसे दूर नगरों में शहरों में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, हम सबों को प्रार्थना में याद करें। हे प्रभु हमारे त्राता परमेश्वर, तू सब स्थानों में उपस्थित है, हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि ना स्थान की दूरी ना किसी प्रकार की बीरा हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी जो कोई एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सन्मुख रहते हैं, अपने पवित्र आत्मा के शरण में हमारे भाई बंधुओं हमारे प्रियजनों की रक्षा कर, और यावर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना चढ़ाई जाती है तो जो बीमार हैं उनके नामों को स्मरण करें, ताकि प्रभु उन्हें जल्द भला चंगा प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम अभी का ठहराया गया पहला और दूसरा पाठ सुनेंगे। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक 13:1-5 तक तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखा, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम प्राय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये तुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, और ऐसा भी सकता है स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिसने तुमको मिस्र देश से निकाल और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यहाँ पाला पाठ वचन समाप्त होता है। परमेश्वर का जीवित वचन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 8वां अध्याय 1 से लेकर अंत तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 8वां अध्याय 1 से अंत तक। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। अभी का दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से गीत संख्या 1183 प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तुके मोय खोजो ना, तुके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। रिवाइवल सॉन्ग गीत संख्या 1183
पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्तयी सुसमाचार उसके 18 अध्याय में लिखा है। पवित्र सुसमाचार उसके 7वें पद से आरंभ होता है, हे क्रिस्त हो। पवित्र मत्तयी सुसमाचार 18 अध्याय 7 पद से, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए लूला या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कई उत्तम है कि तू दो हाथ या दो पैर होते हुए अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरे आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कई उत्तम है कि तू दो आँख रखते हुए नरक की अग्नि में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग पिता का मुंह सर्वदा देखते हैं। तुम क्या सोचते हो कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को ढूंढने ना जाएगा जो भटक रही है? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पा ले तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसके लिए 99 की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। अतः तुम्हारे बीच जी की जो स्वर्ग में है ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश हो। या प्रभु यीशु क्राइस्ट का सुसमाचार है। जीवित प्रेम कार्य पवित्र परमेश्वर प्रथम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आपके प्रभु इस पवित्र दिन में यीशु तेरे नाम की महिमा करने तू आराधना स्तुति महिमा करने का मौका दिया। जीवित वचन पर आशीष दी जिस पर चिंतन करना चाहते प्रभु, जिसके द्वारा हमारे जीवन को मार्गदर्शन और तेरा आशीष प्राप्त होने पाए उसे हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा आमीन। मंडी बैठे हुए समय में शास्त्र से हमने वचन सुना जो मत्तयी सुसमाचार का 18 अध्याय और उसके 7 पद से नीचे। और विशेष परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज ये मौका हमें मिला है कि हम उसकी स्तुति महिमा करने पाए। विशेष आज जंत्री पाठ के अनुसार जो विषय हमारे पास है उसमें जो भी कि हम परीक्षा का सामना करना पड़ता है तो भी परमेश्वर की इच्छा यह है कि ये सब प्राणी बचा लिए जाए। हमारे ध्यान के लिए मत्तयी सुसमाचार 18 अध्याय 7 पद, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, पर उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। प्रभु उस मनुष्य के लिए हाय कहता है जिसके द्वारा ठोकर आती है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 9 पद में यूं लिखा है, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी या स्वतंत्र निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। मसीह में जो हमारी स्वतंत्रता है और हम निश्चय इस बात को जान लें कि मसीह में अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं तो मसीह का वचन सिखाता है तुम्हारी या स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बने। निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बने। 10 पद से नीचे यूं लिखा है, यदि कोई व्यक्ति तुझ जैसे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे वह निर्बल हो तो क्या इससे कि उसका विवेक मूर्ति के सामने बलि की उस वस्तु खाने के साहस ना होगा। मसीह प्रियों, आज मसीह विश्वासियों का विश्वास बहुत कमजोर है, ये हम सब जानते हैं और इसको कोई हमें असमंजस नहीं है कि हम मसीहों का विश्वास इतना कमजोर है ना। उसमें सीधी बात यह है कि जिस प्रकार से एक मसीह के जीवन में परीक्षा आती है, यह पारिवारिक जीवन में संकट आती है,
तो वो व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों में नहीं आकर के घुटने टेक के प्रार्थना नहीं करके जादू टोना करने वाले के पास चला जाता है। साधारणतया यह हमारा घर में मेरे बेटी बीमार है, घर में मेरे बेटी बहुत बीमार है, कई दिनों से बीमार है, चंगी नहीं हो रही है ना, ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मैं घुटने टेक के प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। और लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मुझसे कहा कि फलाना फूकने वाला और फलाना झाड़ने वाला अच्छा है, उसे लेकर आते हैं, तुरंत मेरी बेटी ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास इतना कमजोर है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, मैं यीशु मसीह विश्वास नहीं करता, पर तुरंत जादू टोना करने वाले पर विश्वास करता हूं। मैं अपने आप को मसीह बोलता हूं, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता मैं कहता हूं, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करके उस जादू टोना करने वाले पर विश्वास कर रहा हूं। तो अन्य जाति जो मुझको देख रहा है कि ये मसीह यीशु का विश्वासी है ना, मसीह यीशु का विश्वासी है, और ये व्यक्ति अभी जादू टोना करने वाला अपने घर में बुलाकर अपने बेटी को चंगा कर रहा है, मैं उस नए विश्वासी के लिए या उस दुर्बल या कमजोर व्यक्ति या नए विश्वासी जो विश्वास कमजोर अभी है वो तो मुझे देख करके वो क्या करेगा, मेरे कारण से वो ठोकर का कारण बनेगा ना? मेरे कार्य के कारण से वो ठोकर का कारण बनता है। यह वचन नहीं लिखा है तुम ज्ञानी है तो उस मूर्ति के सामने जाके प्रसाद खाने जा रहा है तो नया जो विश्वासी है वो तुझे देख करके वही काम करेगा जा करके। असिद्ध आज परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है कि इस लॉकडाउन के दौरान भी है ना, इस लॉकडाउन के दौरान करीब 7 महीना से हम लॉकडाउन में आराधनालय में नहीं आ पा रहे हैं, हम अपने घरों में ऑनलाइन गिरजा कर रहे हैं। अदरी साहब मैं ऑनलाइन गिरजा कर लेता हूं, बहुत अच्छी बात है आप ऑनलाइन गिरजा कर लेते हैं। ऑनलाइन गिरजा कैसे करते हैं हम लोग, क्या पूरा परिवार के साथ बैठ करके गीत संग्रह लेकर के बाइबल लेकर के परिवार के साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं या गीतों को गाते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं? मोबाइल ऑन करके रख दिए, ऑनलाइन गिरजा हो रहा है, ऑनलाइन गिरजा हो रहा है, अब मैं अपने काम में व्यस्त हूं, मसीह प्रेम ये ऑनलाइन गिरजा नहीं है। अब पूरे परिवार के साथ आराधना में प्रभु की उपस्थिति में बैठना है तभी ऑनलाइन गिरजा होती है। मेरे कार्य के कारण से एक निर्बल व्यक्ति ठोकर का कारण बनता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 13 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 13 अध्याय, उसका 13 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 13 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, तो तुम उस नबी या स्वप्नदर्शी के वचनों पर ध्यान ना देना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा या जानने के लिए तुम्हें परखता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन तथा अपने सारे प्राणों से प्रेम रखते हो या नहीं। ये तो वचन हमारे सामने है। एक मसीह विश्वासी के लिए ठोकर का कारण ना बनना पहली बात, निर्बलों के लिए हम ठोकर का कारण ना बने। हाय वो व्यक्ति जो परमेश्वर का नाम तो लेता है लेकिन अपना कार्य के द्वारा वो कमजोर निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बनता है। व्यवस्था धर्म का पुस्तक 13 अध्याय 3 पद में यही बात को लिखा है, हे मेरे प्रिय विश्वासियों, हे मेरे प्रिय बच्चों, वचन कहता है कि उन सफल दर्शियों से सावधान, उन नबियों से सावधान जो आपको गुमराह करते हैं, स्वप्न की गलत गलत अर्थ बता करके आपको गुमराह करते हैं, आप उनके पीछे हो लेते हैं, कलीसियाओं को छोड़ के चले जाते हैं, वो आपको मीठा मीठा बोल करके आपको गुमराह करते रहते हैं, लेकिन आप परीक्षा में पढ़ते हैं। प्रभु ये वचन हमें बताता है कि तू जो परीक्षा में पढ़ता है तो ये परमेश्वर की ओर से ये परखा जाता है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू मुझसे कितना प्यार करता है, क्या तू अपने अपने सारे मन
वचन कहता है, तू क्या अपने सारे मन और अपने सारा प्राण से मुझसे प्यार करता है? यही हमारा परमेश्वर हमें परखता है, हमारी परीक्षा लेता है। मसीह पे आज हमें सीखना है या प्रभु में मेरा प्यार कितना गहरा है, मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूँ, है ना? जितना प्यार हमारा प्रभु हमसे करता था, क्या हम उन प्यार से करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमारे लिए सवाल आ जाए। यहाँ यहीं पर व्यवस्था उसमें कहता है, उन झूठे नबियों या उन स्वप्नदर्शियों के पीछे मत होना, मत सुनना उसका, एकदम मत सुनना, सिर्फ अपने परमेश्वर से सुनना जो तुझसे प्यार करता है। वही वो परखता है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। परीक्षा जीवन में आए तो मत डगमगाइएगा, परीक्षा जीवन में आए मत डगमगाइएगा। परीक्षा जब आए तीन कार्य करिएगा जीवन में, परीक्षा जीवन में आए तो तीन ही कार्य करेगा। पहला प्रार्थना में रहिएगा, प्रार्थना करना मत छोड़िएगा, प्रार्थना में लीन रहिएगा। दूसरा विश्वास में स्थिर रहिएगा, विश्वास में स्थिर रहिएगा और धीरज धरिएगा, धीरज धरिएगा। प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना विश्वास और धीरज धरोगे निश्चय मैं तेरे बड़ा कार्य करूंगा। प्रभु यीशु की जब परीक्षा हुई, प्रभु यीशु की परीक्षा हुई 40 दिन 40 रात जब परीक्षा हुई, लूका सुसमाचार 4 अध्याय के पहला पद लिखता है, जब वो 40 दिन 40 रात परीक्षित हुआ तो प्रभु यीशु से परमेश्वर से प्रार्थना में क्षमा रहा था। शैतान उसे पाप में गिराने का प्रयास करता रहा। मसीह पे परीक्षा कई प्रकार हमारे जीवन में आती है ना, परीक्षा कई प्रकार हमारे जीवन में आती है। यहाँ पर यीशु मसीह को परीक्षा शैतान ले रहा था, उसे परमेश्वर से अलग करके शैतान पाप में गिराना चाहता था। लेकिन व्यवस्था धर्म के पुस्तक में हमारा परमेश्वर हमारा परीक्षा कर रहा है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू मुझसे कितना प्यार करता है, ये हमारा प्रभु परमेश्वर चाहता है। मसीह पे जीवन में ठोकरों का आना अनिवार्य है। ठोकर वचन बताता है, टीकाकार लिखते हैं, ठोकर जो है वो पाप करने के लिए किसी को प्रेरित करना। परीक्षा हमारे जीवन में जब आती है, परमेश्वर से वो हमें दूर करने का प्रयास करता है। हमारा परमेश्वर से प्रयास परीक्षा आती है तो यह समझिए कि मेरा परमेश्वर मुझे परख रहा है कि मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूँ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मसीह में बहुत ही कलीसिया में एक्टिव है, कलीसिया में बड़ा एक्टिव है, लेकिन वचन हमें बताता है मसीह प्रिय वे ही लोग आज विचलित होते चले जा रहे हैं। जब परीक्षा जीवन में आती है सबसे पहले जादू टोना वाला के पास चले जाते हैं, उनसे अपने कार्य करवाते हैं, वो यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते, वो विश्वास नहीं करते, धीरज नहीं धरते। प्रभु का वचन कहता है तू प्रार्थना कर, निरंतर तू प्रार्थना करता रहना। इब्रानी के पुस्तक में लिखता है तू विश्वास कर मैं हूं तो मैं निश्चय प्रत्युत्तर दूंगा। वचन कहता है मसीह अंत तक तू धीरज धरेगा वो निश्चय अनंत जीवन प्राप्त करेगा। वचन कहता है मसीह इसलिए जब परीक्षा जीवन में आए या ठोकर का कारण आप बने, प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए और धीरज रखिए। प्रभु आपको जीवन में संभालेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। हमारा परमेश्वर जिंदा है और पराक्रमी है। मसीह प्रियो जब पत्रस ने प्रभु से कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी में चलने का आदेश दीजिए, प्रभु यीशु ने कहा ओ मेरे पास आ। पत्रस उस पानी में चलने लगा, जब वो हवा को देखा तो पानी में गिरने लगा। मसीह प्रियो हमारे जीवन में प्रभु यीशु हमारे सामने है, पत्रस के सामने प्रभु यीशु खड़ा रहा, अरे सामने है, लेकिन फिर भी हम डर गए, परीक्षा में हम डर गए, पत्रस गिर गया पानी में। प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, तो प्रभु ने अपने हाथ ले करके उसे थाम करके उसे बाहर निकाला। मसीह आज हमारे परीक्षा यह हमारे जीवन में जो आती है प्रभु सामने है, उसे पुकारिए, वो आपको थाम करके वो आपको बाहर निकालेगा और निश्चय आशीष का कारण बनाएगा। प्रभु करे ऐसे ही आशीष वचन आपके जीवन में
बहुत आयत में होने पाए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ठोकर जो विशेष हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है, परीक्षा जो हमारे जीवन में आती है, परीक्षा जो हमारे जीवन में आती है वचन कहता है कई प्रकार से शैतान की ओर से जब आती है वो हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, परमेश्वर की ओर से वो हमें अपने प्यार, हम उससे कितने प्यार करते हैं वो परख करके हमें खड़ा उतारता है और हमें आशीष कारण बनाता है। प्रभु करे आप इस वचन सबको बहुत आशीष दें और अनुग्रह करने का आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रह कार्य प्राप्त करने पौते परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु तेरे महासामर्थ्य जीवित वचन के लिए पौते परमेश्वर पिता सहयोग बहुत इस्तेमाल कर पहुंचे अब होने दे तू आप इस वचन के द्वारा तमाम विश्वास को आशीष कारण बनाना पाए प्रभु तू ही दया कर ये शुक्र नाम से मांगते हैं सुन जा सके श्रद्धा और भक्ति के साथ मंडली खड़ी हो जाएगी। हम निकिया का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र सर्वगों से पहले पिता से उत्पन्न परमेश्वर से परमेश्वर ज्योति से ज्योति सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जिस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जने लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे
संस्कार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जैसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तन देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे सब पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वरदे तेरे सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग के पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं, प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, युवा हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप स्वीकरण की प्रार्थना एक साथ उच्चारें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर, और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हम सबके पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर रखे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 125, हिम्न नंबर 125, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब कुछ देता हूँ। गीत संख्या 125, हिम्न नंबर 125। और से गीत के क्रम में हम अपने भेंटों को प्रभु की महिमा के लिए अर्पण करेंगे।
हम इस भेंट को परमेश्वर के आगे अर्पण करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सबकी आंख की तेरी बाट जोती है और तो समय पर उनका आहार उन्हें देता है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तुझ से पाकर हम ये दान तेरे आगे अर्पण करते हैं। हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे भक्त जनों ने, तेरे विश्वासियों ने दृश्य रूप में या अदृश्य रूप में जो भी भेंट दी है, इस पर तेरी आशीष हो। इसे तू ग्रहण कर ताकि इसे तेरी कलीसिया की बढ़ती के काम में आए, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा, आमीन। परमेश्वर ने बीते जीवन में हमारे साथ बहुत सारी भलाई की है। प्रभु के दास दासी किसी यात्रा में थे और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया है और वे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, वे देख रहे हैं, वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। साथ ही हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने बहुत सारे बच्चों को नए वर्ष में प्रवेश कराया है और हमने इस वर्ष इस महीने में जन्मदिन को मनाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु की कृपा बच्चों के जीवन पर भी और प्रभु ने उन्हें उत्तीर्ण किया है। साथ ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ कि हमारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु उन्हें बुद्धि से, ज्ञान से और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें। साथ ही हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि बहुत सारे लोग जो बीमारी अवस्था में थे और परमेश्वर की कृपा उनके जीवन पर हुई है और वे अद्भुत चंगाई को प्राप्त किए हैं। अगर वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वे अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं या बैठकर ही हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को। हम सब प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं और तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति और हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है। तेरी बड़ी कृपा से तूने तेरे दास दासियों को यात्रा की जोखिम से बचाया और उन्हें अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जिस कार्य, जिस उद्देश्य के लिए तूने उनके जीवन को चुना है, तो उन सब बातों में उन्हें तो सफल कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी बड़ी कृपा से तेरे विश्वासी जन नए जीवन में प्रवेश किए हैं। हे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तू बीते जीवन से लेकर अब तक इनके संग साथ रहा, अब जबकि तेरी बड़ी कृपा से ये नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे महान परमेश्वर, तू ही उन्हें बुद्धि से, ज्ञान से और समझ की आत्माओं से नई आत्मा और नया मन दे प्रभु, ताकि वे तेरी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। पिता परमेश्वर, जो लोग मृत्युशैया में पड़े हुए थे, जो शारीरिक कष्ट से पड़े हुए थे, मन अथवा आत्मा में दुख सह रहे थे, तो यहोवा राबा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने नाम के निमित्त तूने तेरे दास दासियों पर दया की और उन्हें अद्भुत चंगाई दिया मेरे परमेश्वर। इन सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और जबकि वे धन्यवादित हृदय के साथ तेरे समक्ष इस समय खड़े हैं प्रभु जी या बैठे हुए हैं, तो उनके धन्यवाद भी बलिदान को स्वीकार कर और तेरी इच्छा के अनुसार वे अपना जीवन यापन करें, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। तेरे लिए कोई कार्य संभव नहीं, तो हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाला ईश्वर है। हम तेरे बच्चों के लिए तुझको धन्यवाद देते प्रभु, जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं पिता, तो ही उनकी सहायता रखवाई कर। जिन विषय वस्तु को समझ नहीं पाते प्रभु, तू ही उन्हें समझदारी प्रदान कर, उन्हें स्मरण शक्ति दे, ताकि जो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं उन सब बातों के द्वारा तेरे नाम को महिमा देने वाले बन सके। सारा आदर तुझी को समर्पण करते हुए एक एक विश्वासियों को हम तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए यह प्रार्थना तेरे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं। इसे सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए। प्रभु आप सबके साथ रहे। अपनी प्रार्थना की भरपूरी के लिए प्रभु की प्रार्थना को एक साथ अंगीकार करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पद महिमा अब और सदा तेरी ही है, आमीन।
परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। हम समापन गीत गाएंगे, गीत संख्या रिवाइवल सॉन्ग 1127, रिवाइवल सॉन्ग 1127, 1127, मसीही कलीसिया सोना लेखे दिशेला रूपा लेखे चमकेला। रिवाइवल सॉन्ग गीत संख्या 1127, 1127। प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य ना बदलने वाले परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तेरी दया तेरी कृपा का आत्मा हमारे संग साथ है। तेरी बड़ी दया से हमने आज के दिन को देखा है, तेरी पवित्र उपस्थिति में हमने आज के समय को व्यतीत किया है।
हमारा यह विश्वास है प्रभु कि तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया है, हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर तू विराजमान हुआ, हम हृदय से तेरी वंदना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सबों के जीवन को तो आशीषित कर, विशेष करके हम प्रार्थना करते राजा तेरे भक्तजन, तेरे विश्वासी जो दूर कहीं पर बैठे हुए हैं और इस प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं राजा, तो उनके जीवन को आशीष से परिपूर्ण कर प्रभु जी। कलिशा की बढ़ती के लिए, मंडली की बढ़ती के लिए, परिवारों की बढ़ती के लिए प्रभु जिन बातों की आवश्यकता है वे सारी बातें हम तुझसे प्राप्त करें, और जो भी अनावश्यक बातें पाई जाती उन सब बातों से तू हमारी रक्षा रखवाली कर। तेरी दया से हम अपना जीवन व्यतीत करें, तेरे अनुग्रह हम सबों के जीवन पर सर्वदा बना रहे। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा तुझे को समर्पण करते हुए या धन्यवाद भी प्रार्थना हम तेरे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं। इसे सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और आप सभी ने इस ऑनलाइन आराधना में भाग लिया है। प्रभु आप सबों पर अपना कृपा समान रूप से बनाए रखें। भारत सरकार द्वारा और झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी कोरोना वायरस को लेकर जो भी नियम बनाए गए हैं, हमारा यह निवेदन है कि आप उसका अक्सरांश पालन करें। बहुत संभव हो तभी आप बाहर निकले, यदि संभव नहीं है या कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर में रहें। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं बड़ी ही जिम्मेदारी और विश्वास के साथ ऑनलाइन की पढ़ाई करें। प्रभु आप सबों के साथ रहें और हमारी शुभकामना है कि आने वाले दिनों में भी हम इसी प्रकार से प्रभु की कृपा हुई तो आराधना में भाग लेंगे। सब कोई खुश रहें और जो भी नियम बनाए जाते हैं उसका पालन करें। फिर से एक बार आप सबों को मैं पादरी मरकस मुखी, पादरी रवि हंस, एक साथ आप सबों को ईशु सहाय करते हैं। ईशु सहाय।